पर खातों में जा रहा है पैसा, किसानों के खाते में जा रहा है पैसा, महिलाओं को लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ है जो उनके नाम पर या उनके काम पर दे रहा है। आपको देश को आगे बढ़ाना है या पीछे ले जाना है? आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं देते हैं? बेरोजगारी क्यों नहीं दूर करते? लोग खुद अपने बलबूते अनाज खरीदेंगे, खाएंगे? आप वैसा देश तो क्या, व्हाट इज द विजन? हम तो जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीदें थी 2024 में कम से कम विजन बताएंगे, क्या रोड मैप है, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। नौकरी के सवाल पे कई सर्वे हुए हैं, उसमें देश का असल मुद्दा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री जी के पास एक भी आइडिया जो है वो नहीं है कि वो बता पाए कि देश में बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे। और ये देखिए, ये रिकॉर्डर जो है हम लेकर के चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी की बोली हुई सारी बातें आप चाहेंगे तो हम चला देंगे, लेकिन आपके जहन में भी वो बातें हैं और जो इस रिकॉर्डर में है, देश के हर एक नागरिक प्रधानमंत्री का झूठ पता है कि उन्होंने क्या क्या झूठे वादे किए। लेकिन बात बताइए तेजस्वी जी, कि जब आप लोगों के पास जा रहे हैं और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही बात है, वो सच्ची बात है, तो क्या आपको लगता है कि लोग कन्विंस हो रहे हैं? अगर यही बात थी तो आपके चाचा क्यों आपको छोड़ के चले गए? उन्होंने बाहर कर दिया, वापस चले गए? छोड़ने से पहले जब हमारे साथ है तो क्या क्या कहा था हमारे चाचा ने, वो सबको पता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अब वहाँ भी जाते तो बार बार यही बोलना पड़ता, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि 4-5 बार हो गया है, लेकिन बुज़ुर्ग हैं, उनकी इज्जत हम करते हैं, सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि भाई भाजपा वालों ने उनको हाईजैक कर रखा है। हाईजैक कैसे कर सकते? इतने साल के मुख्यमंत्री रहे, इतने साल के जैसे नेता रहे, इतने ग्राउंड से जुड़े हुए नेता रहे, किसको हाईजैक कर सकते? इंडिया अलायंस बनाने में किसकी भूमिका थी? बिहार की, नीतीश जी और हम, हर विपक्ष छी नेताओं के घर जा कर के उनसे मिल कर के ये अलायंस हम लोगों ने बनवाया। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बिहार में। और जब मुख्यमंत्री जी जब गवर्नर हाउस गए, इस्तीफा दे करके बाहर निकले, एक भी रीज़न बताया जो सेटिस्फैक्ट्री हो, जिससे आप संतुष्ट हो पाए या हम हो पाए, वो तो छोड़ी देश के नागरिक या बिहार के नागरिक भी संतुष्ट नहीं है। क्यों किया? खैर, ये उनकी अपनी राजनीति है। नहीं, लेकिन मैं तो कारण तो वही बता पाएंगे, लेकिन हमारे नज़र में तो वो हाईजैक है।